नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां तीन लोगों ने महिला के पति के सामने ही उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। एतमादपुर थाने में तहरीर दी है, जिसमें दो नामजद और एक अज्ञात युवक जंगल में ले जाकर गैंगरेप का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इस मामले में एसपी ग्रामीण ने बताया कि महिला ने थाने में तहरीर दी है कि तीन लोगों ने उसके साथ गैंगरेप और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। इस मामले पर एसपी आरए वेस्ट सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर सामूहिक दुष्कर्म, लूट और जान से मारने की धमकी की धारा में मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। आरोपी घरों पर नहीं मिले हैं, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। मंगलवार दोपहर को 2 बजे पीड़ित महिला, करीब 2 बजे पीड़ित पति पत्नी छलेसर चौकी पर आए, घटना की जानकारी दी। एसपी आर ए सत्यजीत गुप्ता, सीओ एदमपुर अर्चना सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसका मायका एतमादोल इलाके में है और ससुराल एदमपुर में है। सोमवार शाम 6 बजे के आसपास वो अपने पति के साथ बाइक पर मायके जा रही थी। रास्ते में तीन युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया। मारपीट करने के बाद जबरदस्ती वो हम दोनों को झाड़ियों में खींच कर ले गए, जहां उन्होंने हमारे कपड़े उतरवाए और पति के सामने एक के बाद एक रेप किया। इतना ही नहीं, घटना का वीडियो भी बनाया। उसके पास से 10,000 रुपए, कान के झुमके, सामान लूटकर फरार हो गए। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है, लेकिन घटना ने सुरक्षा व्यवस्था की सारी पोल खोल कर रख दी है। इस घटना के बाद से महिला और उसका परिवार दहशत में है।